आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति। चीन के नवीन संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान में इसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी अंग कहा गया है। रचना। स्थायी समिति की रचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 65 में किया गया है। इसके अनुसार स्थायी समिति में एक अध्यक्ष, कई उपाध्यक्ष, महासचिव तथा अन्य साधारण सदस्य होते हैं। इनका चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा होता है, जिसे इन्हें वापस बुलाने का अधिकार भी है। स्थायी समिति के आकार के संबंध में संविधान कुछ नहीं कहता। इसका निर्धारण राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को करना है। व्यवहार में स्थायी समिति की सदस्य संख्या भी बहुत अधिक हो जाती है। जहाँ तक इसके कार्यकाल का प्रश्न है, संविधान के अनुसार इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष का है और स्थायी समिति उस समय तक अपना कार्य करती है जब तक कि नए स्थायी समिति का चुनाव न हो जाए। अतः स्थायी समिति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष से कुछ अधिक होगा। यदि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ जाए तो स्वाभाविक रूप से इसका कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। इसकी बैठक के संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ये स्थायी निकाय है और इसकी बैठकें किसी भी समय बुलाई जा सकती है। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है और उपाध्यक्ष उसकी सहायता करते हैं। स्थायी समिति का अध्यक्ष। स्थायी समिति का अध्यक्ष स्थायी समिति की अध्यक्षता करता है तथा इसकी आज्ञा और निर्णय पर हस्ताक्षर भी करता है, लेकिन उसे अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। संवैधानिक रूप से वह पूर्व सोवियत संघ की प्रेसिडियम के अध्यक्ष के समतुल्य दिखाई पड़ता है, लेकिन व्यवहार में उसे ये भी मान्यता प्राप्त नहीं है जो प्रेसिडेंट के अध्यक्ष को है। स्थायी समिति की शक्तियां तथा कार्य। संविधान के अनुच्छेद 67 में स्थायी समिति की निम्न शक्तियां व कार्य है जो इस प्रकार है। वह संविधान की व्याख्या करता है तथा संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करता है। वह कानूनों का निर्माण व संशोधन करता है जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के क्षेत्राधिकार 12 में नहीं है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सत्रवान काल में कानूनों का निर्माण तथा विद्यमान कानून में आंशिक संशोधन करने का कार्य स्थायी समिति करती है। वह सभी विधियों की व्याख्या करती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सत्रवासन काल में आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना तथा बजट को स्वीकृति प्रदान करना। वह राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटोरेट के कार्यों का निरीक्षण व जांच करती है। राज्य परिषद द्वारा निर्मित उन प्रशासनिक नियमों, आदेशों तथा निर्णय को ये रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल है। स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित उन निर्णय व नियमों को ये रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल है। जब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो मंत्रियों के चयन, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव के चयन के बारे में ये निर्णय करती है। जब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो केंद्रीय सैनिक आयोग व इसके सदस्यों के चयन के बारे में निर्णय करती है। सर्वोच्च न्यायालय के सभापति के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के सभापति तथा अन्य न्यायाधीशों, न्यायिक समितियों के सदस्यों, सैनिक न्यायालय के सभापति की ये नियुक्ति करती है। विदेश में नियुक्त किए जाने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति व पद चुनौती करने का भी इस समिति को अधिकार है। विदेश से किए जाने वाले समझौते व संधियों का पुष्टिकरण यही समिति करती है। सैनिक और कूटनीतिक उपाधि वितरण करने का स्थायी समिति को अधिकार है। राज्य की ओर से दिए जाने वाले पदक तथा उपाधियां इसकी स्वीकृति से ही दी जाती हैं। सैनिक और कूटनीतिक उपाधियां वितरण करने का स्थायी समिति को अधिकार है। विदेश से किए जाने वाले समझौते व संधियों का पुष्टिकरण यही समिति करती है। विशेष समाधान करने का अधिकार है।
देश पर आक्रमण होने पर युद्ध के प्रतिरोध हेतु निर्णय लेने का इसको अधिकार है। इसे आम लामबंदी तथा आंशिक लामबंदी घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। 20 मार्च 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार संपूर्ण देश के नहीं प्रांत, स्वशासित प्रदेशों या केंद्रीय सरकारों के अधीन प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले नगर पालिका क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने का इसका अधिकार है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य समस्त कार्य करने का इसको अधिकार है। वस्तुतः ये बहुत ही व्यापक प्रावधान है जिसके आधार पर जनवादी कांग्रेस इसे कोई भी कार्य सौंप सकती है। स्थायी समिति की वास्तविक स्थिति। संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार स्थायी समिति को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है तथा इससे अपने समस्त दायित्वों का प्रतिवेदन जनवादी कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। स्थायी समिति की शक्ति और कार्यों के अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि इसका अधिकार क्षेत्र व्यापक और बहुमुखी है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के स्थायी निकाय के रूप में जनवादी कांग्रेस के अधिकारों का बहुत अधिक सीमा तक इसी के द्वारा संपादन किया जाता है। इसे राज्य अध्यक्ष की तरह महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त है ही, ये एक दृष्टि से राष्ट्रीय संसद भी है, मंत्रिमंडल भी और सर्वोच्च न्यायालय भी है। इसलिए रॉबर्ट एलिगेंट ने इसे सरकार की सर्वोच्च सत्ता कहा है, लेकिन कुछ अन्य लेखकों का इसके संबंध में दूसरा दृष्टिकोण है। वे कहते हैं कि समिति की सदस्यता बहुत बड़ी है और इतनी अधिक सदस्यता वाली संख्या कुशलता से कार्य नहीं कर सकती। दूसरा, स्थायी समिति की भूमिका बहुत अधिक सीमा तक राज्य परिषद तथा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति, उसके पोलिट ब्यूरो तथा पोलिट ब्यूरो की स्थायी समिति में सीमित हो जाती है। आलोचकों के अनुसार चीन में सभी सरकारी संस्थाओं पर केंद्रीयकृत पार्टी नेतृत्व है, इसलिए स्थायी समिति को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता। वस्तु स्थिति यह है कि चीन की समस्त शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल के नेतृत्व पर तो संदेश किया नहीं जा सकता, लेकिन इस स्थिति के बावजूद स्थायी समिति समस्त शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यवहारिक राजनीति का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्थायी समिति में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक प्रमुख सदस्य होते हैं और ये बात स्थायी समिति को अत्यधिक उच्चता प्रदान कर देती है। केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान के अनुच्छेद 93 में केंद्रीय सैनिक आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। यह आयोग देश की सेना का नियंत्रण एवं निर्देशन करेगा। इस आयोग का गठन सभापति, उपसभापति तथा अन्य सदस्यों से मिलकर होगा। इस आयोग की कार्य प्रणाली के संबंध में संपूर्ण जिम्मेदारी सभापति की होगी। आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आयोग का सभापति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। केंद्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। सैनिक आयोग के नियंत्रण में 20 लाख शक्तिशाली व्यक्तियों की सेना है तथा चीन में आणविक शस्त्रों पर भी सैनिक आयोग को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। व्यवहार में देखा गया है कि सैनिक आयोग का अध्यक्ष अपनी इस स्थिति के आधार पर चीन की समस्त राज्य व्यवस्था में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति के आधार पर पर्यवेक्षणों का अनुमान है कि चीन में यदि कभी सेना साम्यवादी दल से अधिक शक्तिशाली बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। व्यवहार में सेना और साम्यवादी दल के बीच संघर्ष की स्थिति जन्म न ले सके, इसलिए राष्ट्रपति पद, साम्यवादी दल के महासचिव का पद और सैन्य आयोग के अध्यक्ष का पद, इन तीन पदों पर एक ही व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने की स्थिति अपना ली गई है। धन्यवाद।